बाप रे, मैं तो भूल ही गई कि आज फूलों के मेले का पहला दिन है। इनकी खुशबू बहुत बढ़िया है। ओ नहीं, मेरा हाथ टूट गया। मुझे ये गाना याद है, हम बचपन में इस धुन पर नाचते थे। ओ, 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 मैं आपकी मदद करती हूँ, मेरा हाथ थामिए। शुक्रिया। आप ठीक हो ना? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। सिंड्रेला, चलो भी, जुलूस शुरू होने वाला है। आ रही हूँ पापा। सिंड्रेला, बाय, फिर एक बार शुक्रिया। तो यही है प्यारी सिंड्रेला, ये तो काफी बड़ी हो गई है। बुलबुलो, मेरे सपनों को सच करना। मेरी प्यारी सिंड्रेला, क्या है तुम्हारे सपने? वही जो हमेशा हुआ करते थे पापा, एक बहुत बड़े महल में रहना, एक घोड़ा पालना और ढेर सारे दोस्त बनाना। वैसे कुछ सपने सच हो जाते हैं। हाँ पापा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। तुम इसकी पूरी हकदार हो, क्योंकि तुम बहादुर और ईमानदार हो। पता नहीं आपके जाने के बाद कितनी बहादुर रह पाऊंगी। क्या आपका जाना जरूरी है? हाँ बेटी, ये बहुत जरूरी है। अब मुस्कुराओ, वादा करता हूँ तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा। जरा वहाँ पुल पर देखिए, वहाँ माँ कैथरीन और जेन है। हेलो मेरी बहनों। हेलो बहन, कितना मजा आ रहा है ना? मुझे जुलूस बहुत पसंद है, सब कुछ कितना बढ़िया लग रहा है। सारा इंतजाम हो गया है साहब, आप जब भी तैयार हो हम निकल सकते हैं। शरारत मत करना पैच, इस सफर में वक्त लग सकता है, पर मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। आपका सफर बढ़िया रहे, अपना ख्याल रखना। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। जानता हूँ डियर, मगर किसी चीज की जरूरत हो तो पियर यही है। अलविदा, मैंने जो कहा है वो रेशम लाना मत भूलना। चलो पियर। मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मैं हर रोज आपके बारे में सोचूंगी। मुझे खत लिखना भूलना नहीं, और पैच को भी। बाय बाय, हमें आपकी बहुत याद आएगी। बेचारी सिंड्रेला, 4 साल पहले उसकी माँ गुजर गई, और अब उसके प्यारे पापा उसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के हवाले छोड़कर जा रहे हैं। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगी, और अब मैं वही करूंगी। मुझे लग रहा है कि सिंड्रेला को एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी। जीन, इस घटिया चीज को हटाने में मेरी मदद करो। जरूर, मैं अपनी चीजों को यहाँ लाने के लिए बेचैन हूँ। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि सबसे बड़े कमरे में वो अकेली हो और हम दोनों एक ही कमरे में रहे। ये तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम अंदर आने से पहले खटखटाती नहीं? आगे से तुम्हें ऐसा करना होगा, क्योंकि ये मेरा कमरा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती, फिर मैं कहाँ सोऊंगी? नौकरों के कमरे में, ऊपर अटारी पर। तुम सबसे अच्छा कमरा पाने के लायक नहीं हो, और वैसे भी ऊपर से बहुत बढ़िया नजारा दिखाई देता है।
ये गलत बात है। फैसला हो चुका है, जब तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है तब घर मैं चलाऊंगी। मतलब तुम्हें हमारी सेवा भी करनी पड़ेगी, हम जो कहेंगे वही करना होगा सिंड्रेला। मगर बिल्कुल ठीक, और तुम्हें ये फ्रॉक पहननी पड़ेगी। ये मेरी नहीं है। तुम्हारी ही है, ये नौकरों का यूनिफॉर्म है, और अब से तुम साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और वो सारे काम करोगी जो हम कहेंगे। मेरी गुड़िया, खेल कूद छोड़कर अपनी चीजें अटारी पर ले जाओ। तुम अपनी नई ड्रेस में बहुत बढ़िया लगोगी, बिल्कुल असली नौकरानी जैसी। अब जल्दी हटो यहाँ से, तुम रास्ता रोक के बैठी हो। मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? हेलो नन्ही चिड़िया, देखने आई हो कि अटारी पर कौन आया है? नन्हे चूहे, माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। शायद तुम सब यहाँ काफी वक्त से रह रहे हो, मैं भी यहाँ रहूँ तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना? निशा, बंद करो ये सब, उन्हें अकेला छोड़ दो। निशा, मैंने कहा रुक जाओ। अब से तुम इस कमरे से दूर ही रहोगे, समझे? तुम ठीक तो हो ना? बदमाश है वो। सिंड्रेला, तुम काम क्यों नहीं कर रही हो? तुम ऊपर क्या कर रही हो? नीचे आओ, मेरी नीली ड्रेस को धोना है, मुझे उसे रात को पहनना है, और मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बनाओ। मैं अभी आई। माफ करना, मुझे जाना होगा। बेचारा मीशा, क्या वो शैतान पैच तुम्हें सता रहा है? हटो यहाँ से भद्दे जानवर। सिंड्रेला, तुम अभी इसी वक्त यहाँ आओ। ओ नहीं, ये इस बेवकूफ कुत्ते की ही गलती है, मैं तंग आ गई हूँ, हर जगह इसके रोए पड़े रहते हैं, अब ये इस घर में पाँव नहीं रखेगा, समझी तुम? मगर ये बचपन से यही रह रहा है, ये अगर मेरे साथ नहीं रहा तो बहुत दुखी हो जाएगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम मेरा हुक्म टाल रही हो? जबान संभाल कर बात करो। याद रहे, मैं घर की मालकिन हूँ और चाहूँ तो तुम्हें भी बाहर निकाल सकती हूँ। मामा, तुमने इसे निकाला तो सफाई और कपड़ों की धुलाई कौन करेगा, और खाना कौन बनाएगा? हमें तो खाना बनाना नहीं आता। सिंड्रेला, जैसा ये कहती है वैसा करो ना। अब एक अच्छी लड़की बनकर पैच को बाहर ले जाओ, वरना माँ बहुत नाराज होगी। हमारी खातिर प्लीज मान जाओ। तुम्हारे पापा के गैर मौजूदगी में इन्हीं की हुकूमत चलेगी, इनका सब कहा मानो। अगर इन्होंने हमें निकाल दिया तो हम कहाँ रहेंगे? जाने के लिए हमारे पास कोई जगह भी तो नहीं है। ओ पापा, काश सब कुछ पहले जैसे हो जाता। मुझे इसका बहुत अफसोस है पैच, मैं तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। अरे चाचा, पापा का जहाज चला गया? हाँ सिंड्रेला, जैसे ही ड्यूक वहाँ पहुँचे जहाज निकल पड़ा, वो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे।
मैं सेवा में हाजिर हूँ मेन साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी बेटियों के साथ शहर जा रही हूँ। सिंड्रेला, सारे घर की सफाई कर देना और हमारे लौटने तक खाना तैयार रखना। कहाँ चलना है? शहर। जीन और कैथरीन प्रतियोगिता के लिए अपना नाम देंगी। कल फूलों के मेले की रानी का चुनाव होने वाला है। लेकिन सिर्फ सबसे खूबसूरत लड़की ही जीत सकती है, इसलिए तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जब हम दोनों इस प्रतियोगिता में हैं, तो कोई और कैसे जीत सकता है? क्या आपके साथ मैं भी चलूं? नहीं, तुम यही रुको और अपना काम करो। और याद रखना, जब हम वापस आए तो मुझे ये जगह दमकती हुई नजर आनी चाहिए। चलो पियर। हिम्मत मत हारना सिंड्रेला। सारे फर्श की सफाई करना और सीढ़ियाँ भी साफ कर देना। तुम्हारे उस कुत्ते ने सब कुछ मैला कर दिया है। सब कुछ चमका दो। जी हाँ, मैं कर दूंगी। और हमारे बिस्तर लगाने से पहले सारी चादरें धोकर उन्हें इस्त्री कर देना। और मेरे नए कमरे को भी ठीक ठाक कर देना, वो बहुत ही गंदा है। पियर। अब मैं क्या करूं? पापा को गए एक दिन भी नहीं हुआ है। कम से कम तुम तो मेरे साथ हो पैच। वो सिंड्रेला, वही उसकी औकात है। उसे अकेला छोड़ दिया। सुना है कल सारा शाही परिवार यहाँ आएगा। क्या आपको यकीन है? हाँ, सुना है महाराज और रानी साहिबा राजकुमार के लिए दुल्हन ढूंढना शुरू करने वाले हैं। अगर राजा की नज़र मुझ पर पड़ गई तो? और जरा सोचो, अगर मेरी शादी राजकुमार से हो गई तो मेरे तो सारे सपने सच हो जाएंगे। तुम दोनों के पास सबसे ज्यादा काबिलियत है। तुम सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान हो। और मेरी शादी ड्यूक से हुई है, इसलिए जाहिर है कि तुम ऊंचे खानदान की भी हो। बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। फिक्र मत करो, मैं उसे ठीक कर दूंगी। ओह नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बेचारी, उसकी किस्मत वाकई खराब है। उसे मददगार की जरूरत है, मगर मुझे चुपके से करना होगा। मैं समझ गई। काश हम और मदद कर पाते। क्या मैं सपना देख रही हूँ? हम बोल सकते हैं। तुम ठीक कहती हो। हाँ, मैं भी बात कर सकती हूँ। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन कम से कम अब हम सिंड्रेला की मदद कर पाएंगे। सिंड्रेला। कौन है? मुझे कौन बुला रहा है? पैच? हम हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पैच, ये क्या, तुम बोल सकते हो? हम सब बोल सकते हैं। मेरा नाम चूचू है। मैं बिंगू हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं, ये सच है, मैं हूँ पैपी। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए खुशी की बात है सिंड्रेला। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम कितनी अच्छी हो। हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। हमें सिर्फ बता दो कि क्या करना है और हम सब कर देंगे। मामा, क्या सिंड्रेला ने वो सारे काम कर दिए होंगे? घर का हाल बहुत बुरा होगा, वो तो बहुत आलसी है। अगर नहीं किया होगा तो मैं उसे देख लूंगी। नहीं। ओ नहीं, वो आ गए। सिंड्रेला, वो लोग वापस आ गए हैं। मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गई, ये सफाई वक्त पर पूरी नहीं होगी। शुक्रिया पैच, बहुत खूब। सिंड्रेला, जब घर की मालकिन घर लौटती है तो तुम्हें दरवाजे पर इंतजार करना चाहिए। आ रही हूँ। पैच, याद रखना, तुम्हें घर के बाहर ही रहना होगा। मैं
जानती थी उसने अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने कर दिया है अभी अभी। जैसा माँ ने कहा था वैसी ही चमक है ना। अगर वो अपना चेहरा तक साफ नहीं रख सकती तो भला घर कैसे साफ रखेगी। मैंने पूरी कोशिश की है। एकदम साफ, ये तुमने कैसे किया? सब कुछ चमक रहा है। सिंड्रेला घर बहुत साफ है, अच्छी बात है, मगर मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए भी कहा था। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं पापा का पसंदीदा खाना बनाती हूँ। तुम चाहे जो भी बनाओ मगर बहुत सारा बनाना और जल्दी। ठीक है, मैं बस अभी बना देती हूँ। खाना जल्दी से नहीं बना तो माँ मुझे घर से निकाल देंगी। उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं, खासकर जिन को। हम सब संभाल लेंगे। तुम सचमुच बढ़िया दोस्त हो। इसकी खुशबू लाजवाब है। खाना तैयार हुआ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। आ रही हूँ, सब कुछ तैयार है। तुम दोनों इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालो प्लीज। खाना स्वादिष्ट बना होगा, खासकर इसलिए कि तुमने इसे बनाने में काफी वक्त लगाया है, मगर फिर भी मीशा इसे पहले चखेगा। ये तो बकवास है, ये बहुत ही घटिया है। तो, ये तो बहुत ही नमकीन है, इसे मैं गले से नीचे नहीं उतार सकती। क्या तुमने इसे चखा नहीं था? मैं जानती थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। तुम हमें इस मामले में धोखा नहीं दे सकती। जब के देखो तुम्हें पता चल जाएगा, ये तुम्हारे उस बेवकूफ कुत्ते के खाने लायक भी नहीं है। चलो चखो इसे। बेचारी सिंड्रेला, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। बताओ। ये तो बहुत बढ़िया है, मैंने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं बनाया। क्या? नहीं, यकीन नहीं हो रहा, ये तो स्वादिष्ट है। पसंद आया? हाँ, लेकिन ये ठंडा हो रहा है। पर समझ में नहीं आता क्या हुआ, पहले तो ये बहुत घटिया था। ये लाजवाब है, बधाई हो। अब से तुम ही सारा काम करोगी और तुम ही खाना बनाओगी। आज तो वाकई हंगामा हो जाता, मगर तुम सबकी वजह से सब ठीक हो गया। हमें बहुत मजा भी आया, अगर तुम चाहो तो हम रोज तुम्हारी मदद करेंगे। चूचू ठीक कहती हैं, और फिर दोस्त किस लिए होते हैं? फिक्र मत करो सिंड्रेला, तुम्हारे सपने जरूर सच होंगे। मैं जानती हूँ, मुझे अपना विश्वास कायम रखना होगा। आपकी बहुत याद आती है।